कैसे हो, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। और लास्ट वीडियो से आपने हमारी जरूर देखी होगी, जिसके अंदर मैंने आपको ग्रेडियंट के इस्तेमाल के अलावा पेन टूल और वो ट्रिकी लोगोस जो एक ग्राफिक डिजाइनर को जिस तरह बनाने चाहिए उसी सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपने देखा होगा और जरूर उसको प्रैक्टिस भी किया होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज हम बात करेंगे फॉन्ट्स के बारे में। फॉन्ट्स का इंट्रोडक्शन हमने आपको पहली वीडियो में दे दिया था, लेकिन आज उसका ट्रिकी बेस में उसको एडजस्ट करने के बारे में हम बताएंगे। और उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट लोगो है, जो मैंने पर्सनली काम किया है, वो है BMW का लोगो, BMW लोगो। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, थोड़ा सही मिले। चले सिंपल फॉन्ट उठा लेते हैं। अच्छा, सेव एज। BMW का लोगो यूं अगर हम देखें तो बिल्कुल ही सिंपल सा लोगो है। इसके अंदर सिर्फ सर्कल्स हैं और फॉन्ट्स हैं, तो लेकिन इस फॉन्ट्स को ग्राफिक डिजाइनर किस तरीके से, किस सीक्वेंस के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपका एक करना थोड़ा मुश्किल से है, लेकिन आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ लेयर वन को टेम्पलेट में डाल के ओके करें, डिमनाइज एज यू विश। लेयर टू पे आकर कंट्रोल बाय दबाएं और लेट्स मूव फॉरवर्ड। चले सबसे पहले इसको सर्कल बनाते हैं। सर्कल ये तैयार हो गया, एडजस्ट करना है। अच्छा जी, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ वहीं पे सेव होगा। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे का मैंने बट ये प्रेस किया है, सही। अच्छा, प्रेस किया मैंने अपना क्लिक, शिफ्ट दबाया और कंट्रोल दबाया, सॉरी ऑल्ट दबाया और ये इधर गया, सही। हमारे पास दो सर्कल्स हो चुके हैं, एक के अंदर हम वाइट फिल दे देते हैं, ब्लैक स्ट्रोक्स दे देते हैं और एक के अंदर ब्लैक फिल दे देते हैं और वाइट स्ट्रोक कैन, सही। अच्छा जी, अब एक हमें ये वाइट आउटलाइन भी देनी है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और वही मैं शिफ्ट और ऑल्ट मैंने दबाया हुआ है इस तरीके से। अब इसके अंदर हम स्ट्रोक देंगे, जरूरी नहीं है हर जो भी हम डिजाइन बनाए उसके लिए फिल ही हम यूज करें, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें स्ट्रोक भी यूज करना होता है, क्योंकि स्ट्रोक कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हमारा मुश्किल आसान कर देता है, ज्यादा से ज्यादा हमारा काम कर देता है, सही। इस तरीके से हो गया। अब उसके बाद इस ब्लू लाइन को बनाना, यहाँ पे सर्कल बना, उसकी वजह ये है कि जब हम इस ब्लू लाइन को बनाएंगे और काटेंगे इस सर्कल से, तो हमारे पास बिल्कुल वाइट सीक्वेंस बन जाएगा। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ वापस बैक, पुरानी पीछे जो लाइन थी वो डिलीट कर देते हैं आई थिंक। चले ये हो गया, इनर सर्कल आप कॉपी करें कंट्रोल एफ से पेज और ऑब्जेक्ट, इसको पाथफाइंडर में आके इस सीक्वेंस में आप यहाँ पर आकर इस सीक्वेंस में आप कट कर दें। चलो ये हमारे पास जो बन गया, इसको हम कलर देते हैं, और ये वाइट कलर भी आ गया। अच्छा, इसको ये ब्लैक भी आ गया, अब इसको हम कलर दे देते हैं ये ब्लू कलर हो गया हमारे पास। चले देखते हैं क्या क्या, चले अलहमदिल्ला ये तो बन गया। अब जो मेन ट्रिक की बात है वो है
आपका फॉन्ट लगाना है, क्योंकि फॉन्ट जो है वो बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है। इसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो मैं एक सिंपल सा फॉन्ट में लूँ, सही। अब मैं फॉन्ट के स्टाइल के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप अपना स्टाइल खुद दे सकते हैं। मैं स्टाइल बड़ा भी है, सही। अगर मैं चाहूँ तो इसी को मैं उठा के पहले यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, सही। किस तरीके से होगा, ये करा और इसको यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ पे रोटेट किया, इसको सेलेक्ट मर्ज किया और इस तरीके से एक तो ये ऑप्शन है जो कि सही हो सकता है, लेकिन बहुत सारे डिज़ाइन जैसे होते हैं जिसके अंदर सर्कुलर फॉर्म में 20 या 30 कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, तो इसकी मदद से करना काफ़ी मुश्किल भी होता है और इसकी जो सीक्वेंस बनती है एक सर्कुलर पाथ की सीक्वेंस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग एक को डिलीट कर देते हैं, इसके लिए हम लोग एक दूसरा सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप सर्कल लें, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ पेस्ट किया इसको, और शिफ्ट और अल्टर से हमने इसको एक्सपेंड किया, सही। अब यहाँ पर टाइप टूल, इसको अगर हम क्लिक दबाए रखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी सीक्वेंस हमारे पास आ रही हैं टाइप टूल को इस्तेमाल करने के। उससे पहले है टाइप ऑन अ पाथ टूल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जब हम ट्रैक इसको क्लिक करेंगे और चलें इसको इसके जो साइज है वो हम बढ़ा देते हैं। अच्छा साइज बढ़ चुका है, ई एम डब्ल्यू। अभी मैं इसके फॉन्ट की बात नहीं कर रहा, मेरा फॉन्ट एरियल फॉन्ट है, ये भी लगा देते हैं एरियल फॉन्ट है। और इसका अब इसके जो सीक्वेंस आ रही है एरियल फॉन्ट की वो है इधर आप नैरो लगाए या फिर आप रेगुलर या फिर इटालियन या फिर बोल्ड एज यू विश। मैं बोल्ड की तरफ जाऊंगा क्योंकि बोल्ड मुझे ही लग रहा है फॉन्ट। तो चले अब इसको प्लेस करने के लिए आप अल्टर और एरो की जिस तरफ आपको मूव करना है, मुझे राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है तो मैं राइट हैंड साइड एरो की इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही। अब आ गए उसके बाद इंटर दबाए, सॉरी ये फॉन्ट आगे की तरफ मूव हो जाए, सही इस तरीके से। अब अगर मैं देखूँ इसके जो विथ है वो काफ़ी छोटी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर का ऑप्शन आएगा इसके बराबर में। अच्छा यहाँ पर आपके पास बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, या तो आप फॉन्ट को आप बड़ा करो या फिर आप वैसे रहने दो, नहीं करता। अच्छा या तो अपने फॉन्ट का जो हाइट है उसको बढ़ाओ या कम करो, काफ़ी सारे यहाँ पे सीक्वेंस है। उसमें से एक सीक्वेंस है विथ का, विथ बढ़ाने का और कम करने का। हम बढ़ाएंगे विथ क्योंकि हमारे फॉन्ट की जो विथ है वो बढ़ी हुई है, सही ये हुआ। अच्छा जी अब इसको प्लेस करेंगे अपनी जगह पर, काफी बड़ी है डब्ल्यू की। इसको हम पर्सनली इसको सिलेक्ट करेंगे, करेक्टर में जाएंगे, करेक्टर में जाके इसके विथ कम कर देंगे। पर्सनली सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं, नो इशू में कोई मसला नहीं होता। ये बहुत सी जगह पे काम आता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वही फॉन्ट नहीं होते जिसकी आपको ज़रूरत होती है, तो उस सूरत में आप इसको तरह परफॉर्म कर सकते हैं, अपना पर्सनली क्रिएट कर सकते हैं। वरना मोस्टली जो है फॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं फॉन्ट्स के अंदर लगते हैं, वो फॉन्ट्स की इंस्टॉलेशन में भी आपको मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये हमारे पास एक BMW का लोगो तैयार हो गया, बहुत ट्रिकी इसके अंदर काम हुआ है फॉन्ट्स पे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो या समझ में आया हो। अगर आपको ना समझ में आए तो ज़रूर मुझे नीचे YouTube कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं
आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो और मेरे सेशन आपने पूरे लिए हो और पसंद आए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा भी यही है कि आपको मैं ज़्यादा ज़्यादा आगाही कर सकूँ कि आप ना सिर्फ बनाना सीखें वेक्टर्स को या डिज़ाइन को इलस्ट्रेटर पे, बट ऑल्सो आप उसको एक अच्छे अर्निंग के सोर्स भी बना सकें। दैट्स वाई मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह एक वीडियो या दो तीन वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिससे आप इलस्ट्रेटर या वेक्टर डिज़ाइन के जरिए ऑनलाइन घर पे बैठे पैसे और अच्छे पैसे कैसे कमा सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जब तक अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।